चलो अब चलते हैं, होटल बहुत थक गए हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छी है, मॉल ठीक ठाक था पर इंजॉय नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टायरिंगनेस। आने वाली डेकोरेशन में दिखाती हूँ, जो एंट्री के टाइम पे मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए मैंने नहीं दिखाई थी, सिर्फ इसलिए कैमरा ऑन किया, ब्लर आ रहा है थोड़ा। एंड ये वाला पार्ट इज नॉट, वी आर नॉट शूटिंग दिस पार्ट फ्रॉम माय फोन बिकॉज बैटरी पूरी जा चुकी है, 2% बैटरी बची है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग इन लखनऊ डायरीज। अभी हम सब उठ गए हैं, हम सब मतलब मैं और हिमांशु उठ गए हैं, अभी आके नहाएंगे धोएंगे, अभी पहले जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, तो फ्रेशन अप हो गए हैं, अब चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। चलो चलो चले, अभी हमने ऐसे कुछ भी पहन लिया है यार, भूख लग रही है, नाश्ता करने के बाद तैयार हो गए ढंग से, मतलब इतना तैयार व्यार नहीं होना बट चेंज कर लेंगे। लिफ्ट से चलना ही अच्छा, एक ही फ्लोर पर है ना, स्टेयर से चलते हैं। चलो काफ़ी अच्छा बना हुआ, काफ़ी क्लीन है, पीने के लिए होटल में फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि यहाँ रुक सकते हो लोग, अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए कितना अच्छा कॉर्नर है ना, अगर ऐसे ऐसे भी मुझे ये वाला कलर, ये वाला टच अच्छा लगता है इंटीरियर में। फिर से इडली, सो फ्रेंड्स हम लोग आके तैयार हो गए थे, मतलब ब्रेकफास्ट करके आए हैं, अभी मुझे पैकिंग करनी बाकी है एंड दिस इज माय लुक ऑफ द डे। फाइनली डिसाइड हो गया कि जा रहे हैं मिलने अपने फ्रेंड से, ही कुड गेट सम टाइम फॉर अस इवन दो ही वॉज वेरी बिजी। एंड ये जो आप ब्लेजर देख रहे हैं ये है अर्बेनिक का, एंड ये टॉप आई डोंट रिमेम्बर बट मैंने मिंत्रा से मंगाया था, मिंत्रा हॉल का मुझे वीडियो बनाना था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई, आप लोगों को रीज़न पता ही है। एनीवेज तो दिस इज माय लुक ऑफ द डे, फुल लुक। अभी हिमांशु आ जाएंगे तो चले, अभी हिमांशु आ जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे हिमांशु गए कहाँ हैं, हिमांशु जो मैं गिफ्ट लेके आई थी ना, मुझे एक बैग में, पेपर बैग में ही देना था बट वो कहीं नहीं मिला मुझे मॉल में, एंड अभी हिमांशु गए हैं बाहर कहीं ढूंढने, आई डोंट नो, कुछ कह तो रहे हैं वो कुछ मिला है, आई डोंट नो, जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा नहीं। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि अब मेरा फाइनल हो गया कि हम लोग मिलने वाले हैं, तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। कि ना बड़ी क्यूट सी बेटी है तो मुझे ऐसे लगा कि सबके पास बच्चों के सब सामान होता ही है, तो मैं कुछ जो जो क्यूट क्यूट सामान, टियारा एंड ये वॉन्ड है क्यूट सी लाइट वाली, मैं दिखाती हूँ आपको जला के, मुझे इतनी क्यूट लगी ना ये, तो सी ये है ऐसे, एंड ये क्यूट सा ब्रश है, ये शेड्स है देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, एंड ये टूथब्रश है उसके लिए, ये क्यूट से टिक टैक्स है, ये उसके लिए सिपर है, एंड ये उसके लिए बच्चों के लिए जो बाउल सेट होता है खाने के लिए वो है। सो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ के लिए, उस बहुत ढूंढ ढूंढ कर उसके लिए निकाली है। मुझे टॉयज, मुझे लगा भाई हम लोग ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट हैं तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत क्रिएटिव टॉयज होते हैं, कपड़े तो बच्चों के पास होते ही हैं बहुत सारे, तो मैंने सोचा क्यूट क्यूट ऐसे सामान लेके जाते हैं जो पहनेगी तो क्यूट लगेगी तो कम से कम ना। अब मैं फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ, पैकिंग के बाद आपसे मिलती हूँ, बाय। हिमांशु आ गए शायद, बाय बाय बाय। तो जितने हिमांशु तैयार हो रहे हैं मैं आ गई हूँ फिर से होटल के अपने फेवरेट कॉर्नर में, मैंने सोचा ट्राई करती हूँ अगर मैं आपको फुल लुक दिखा सकूँ तो। एंड मैंने रग जीन्स पहनी है कंफर्टेबल बाटा शूज के साथ, सेमी फॉर्मल मैंने लुक लिया है क्योंकि कुछ मुझे ऑफिशियल काम भी है आज, तो दिस वॉज माई लुक। सिलाई तो चेकआउट कर रहे हैं हम लोग, एंड ये मिल गया क्यूटू सा बैग, हिमांशु गए थे स्पेशली लेने जो मैंने आपको बताया था। अभी लगेज हम यही रख के जा रहे हैं बिकॉज जो मेरे फ्रेंड्स हैं सुशांत एंड मानसी वो हमें पिक करेंगे यही होटल से, देन वील गो टू फिनिक्स मॉल आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, उसके बाद आई डोंट नो, बट देन हमारी ट्रेन जो है वो इवनिंग की है, सो हमने बात कर ली थी कल ही, स्टाफ इज वेरी कोऑपरेटिव, दे सेड कि ठीक है मैम अपना लगेज आप रख जाइए, मानसी लास्ट मिनट पैकिंग कर रहे हैं जो हमारा बचा है। सो अभी हम नीचे चलते हैं, चेकआउट करते हैं, देन वील मीट यू, बाय बाय।
लिफ्ट उधर। तो सुशांत और मानसी ने सजेस्ट किया ये प्लेसियो मॉल है जो कि काफी अच्छा बना हुआ है, तो हम लोग यहीं पे आ गए हैं। सुशांत और मानसी ने हमें पिक कर लिया था। वाकई मॉल बहुत ही सुंदर बना हुआ है। शॉपिंग तो ऐसा हमें नहीं करनी थी, बट हमने मॉल को बहुत अच्छे से घूमा। काफी बड़ा था मॉल एंड मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो थे वो यहाँ पे थे। ये देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन थी एंड वो लोग बता रहे थे कि कैसे ओकेजन टू ओकेजन वो डेकोरेशन चेंज करते रहते हैं। फिर ये देखिए ये वाला पोर्शन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। उससे पहले हम गेमिंग जोन में भी गए, बट एज सच कुछ इंटरेस्टिंग मिला नहीं अभी खेलने के लिए। तो फिर अब हमने बहुत सारा खाना खाया, गप्पे मारी। चल जा भाई। नहीं चलेगा, कॉल कर रहा है। तो सुशांत और मानसी चले गए हैं, मजा आया बहुत। अब हम जा रहे हैं अमीनाबाद मार्केट, तो देखते हैं। आई डोंट नो अगर भीड़ हुई नहीं हुई तो उसके हिसाब से व्लॉगिंग कर पाएंगे या नहीं। सुशांत मुझे बहुत फोर्स कर रहा था कि मॉल के बाद वो ही मार्केट आ जाएगा हमारे साथ या हमें यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, बट मुझे पता है वो कितना थका हुआ था, तो फिर मैंने उसको मना कर दिया। मैंने सोचा कि हमें तो जब तक हमारी ट्रेन का टाइम नहीं हो जाता हमें शॉपिंग करनी है, तो ये मेन चौराया है और फिर उसके बाद हमें जाना है मार्केट के अंदर। उसने बोला था हमें कि बेकरी पे उतर जाना, वहां से ई रिक्शा कर लेना, बट इतना चीटिंग होते होते बचा ना हमारे साथ। हमें दो ई रिक्शा वालों ने चीट करने की कोशिश की थी, पर आधे यूपी वाले तो हम भी हैं। मेरे को आइडिया था, मैं पहले लखनऊ आई हुई हूँ एक बार, कि कुछ तो चीटिंग कर रहे हैं। संडे को उन्होंने सबने बोला कि मार्केट बंद रहती है, तो दो बारी दो ई रिक्शा हमने करी। दोनों हमें एक अलग स्टोर पे ले जाके खड़ा कर दिया और बोला कि यहां से ले लो बिकॉज मार्केट बंद होगी। बट मुझे ऐसा लगा कि पूरी मार्केट तो नहीं बंद हो सकती है। लकीली हम फंसे नहीं ऐसे, और हम ढूंढते ढूंढते मैप से हम तो जी पहुंच गए अमीनाबाद बाजार चौराया। अब यहाँ से आई थिंक हमें पैदल जाना है, तो लेट्स सी कि कहाँ जाना है। ले लिया यहाँ से ई रिक्शा। अरे लेकिन तो हम अलग अरे बढ़ा दो भाई, चलो हम बाय ये देखिए ये वो स्टोर थी, बट यहाँ पे बहुत महंगा सामान था, तो ये दूसरा ई रिक्शा वाला हमें कहीं और लेके जा रहा है। बट एट लास्ट हम ढूंढते ढूंढते मेन मार्केट में खुद ही यहाँ पहुंचे। नहीं नहीं करते हैं, मैं नहीं भूल नहीं सकती हूँ। थोड़ा थोड़ा तो ले लिया है, बहुत ज्यादा शॉपिंग करने का टाइम नहीं था और स्पेस नहीं था, प्लस में डायरेक्टली हमें ऑफिस जाना है तो फिर इतना सामान कैसे लेके जाते। बट मार्केट बहुत बड़ी है, हम बार बार ऑनलाइन अपनी ट्रेन का टाइम देख रहे थे और बार बार वो आगे एक्सटेंड हुआ जा रहा था, तो हम इसलिए मार्केट में और थोड़ा रुक रहे थे। बट हमें भी नहीं पता चल रहा था कि हमें कितनी देर में निकलना है, तो एट लास्ट हमने जब 4 घंटे से ज्यादा डिले हुआ था तो हमने ट्रेन कैंसिल करके अब बस बुक कर ली है और अब हम ये खाने आ गए हैं। शाही टुकड़ा बहुत टेस्टी है, अगर आप लखनऊ आ रहे हैं और आप अमीनाबाद मार्केट या ओल्ड लखनऊ आ रहे हैं, प्लीज ट्राई दिस। कैसा है? टेस्टी है। उसके बाद
साथ आपको रोल्स की वैरायटी भी काफी मिलेगी। हमने ट्राई किया यहाँ पे, हिमांशु ने खाई बिरयानी, मैंने तो नहीं खाई बिकॉज मैं वेजिटेरियन हूँ। और ये देखिए थक गए हैं और बहुत लेट हो गए हैं, इतना चलना पड़ रहा है तो ये कैसे पतली पतली गलियों में से हम निकल के जा रहे हैं। और मुझे ना सच में नानी के घर की मुरादाबाद की याद आ गई, ये वाले पुराने घर देख के और इस तरह की गलियां देख के। अब हम यहाँ से ई रिक्शा से जा रहे हैं चारबाग, वहां से हम ऑटो करेंगे पिनाकल होटल। तो अभी हम होटल से चेकआउट करके, मतलब चेकआउट सुबह ही कर लिया था हमने, बस सामान उठाया और हम आ गए हैं फिर से फीनिक्स मॉल। बिकॉज एक तो मुझे चेंज करने हैं, आई कांट ट्रैवल लाइक दिस, एंड सेकेंडली जो हमारे बस स्टैंड है वो यहाँ से काफ़ी पास में है, तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा और फिर उसके बाद जाएंगे हम बस स्टैंड। हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ घपला होता है, हमारी ट्रेन 4 घंटा लेट थी तो हमें ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, एंड फिर अब हमने बस कराई है एंड मोमेंट में, बिकॉज कल छुट्टी नहीं ले सकते। हाजमोला की सभी वैरायटी आपको मेरे बैग में, आपको मेरे रूम में जरूर मिलेगी। मेरी फेवरेट है हाजमोला, और ये इमली दाना, हींग बटी, ये सब ना गोलियां मुझे बड़ी प्यारी लगती है, मतलब टेस्टी लगती है, मुझे तो बड़ा मजा आता है, मैं तो खाते रहती हूँ। और ना इसी बात पे हिमांशु भी हंस रहे थे, अब बताइए व्लॉगर है तो क्या हाजमोला भी नहीं खा सकते। फिर हमने इसको एकदम कम्फर्टेबल क्लोथ्स में चेंज कर लिया, कॉटन के कपड़े हैं, इयरिंग्स उतार दूंगी बस में जाने के बाद, स्लीपर बस है तो अभी टाइम हो गया है बस का, निकलते हैं अब हम यहाँ से मॉल से, फीनिक्स मॉल से। मैकडी से थोड़ा बर्गर वगैरह पैक करा लिया है, थोड़ा सा खा लिया आइसक्रीम वाइसक्रीम, तो अब चलते हैं मूसली, मिलती हूँ आपको बस के अंदर। बहुत बहुत एक्सट्रीम थक गए हैं, इतना ज़्यादा घूमे हैं आपको बता नहीं सकती, बहुत थक गए हैं। होपफुली बस कल टाइम पे पहुँच जाए आनंद विहार, एंड देन वहाँ से मैं डायरेक्टली जाऊँगी अपने वर्क प्लेस पर, और हिमांशु जाएंगे अपने डायरेक्ट प्लेस पर वर्क प्लेस पर। बस हमें बोर्ड कर लिया है और अब हम पहुंच गए हैं आनंद विहार। मेरी सूजी हुई शक्ल से आपको पता ही चल गया होगा कि नींद कोई खास नहीं आई है, ब्लैंकेट्स अच्छे नहीं थे तो हमने ज्यादा सोया भी नहीं। अभी के लिए इस व्लॉग को एंड करते हैं।